हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 13 सितंबर 2020 को नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए झारखंड स्टेट के लिए जो भी पिछली ईयर किस प्रकार से उसकी कट ऑफ गई थी और इस साल 2020 के अंदर किस प्रकार से इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है कॉलेज वाइज, मैं सब आपको इसकी वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आपको अदर स्टेट्स की वीडियो भी देखनी है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, इन सब की वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन को क्लिक करके उसमें वीडियो को इजीली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आप लोगों के लिए किस प्रकार से काउंसलिंग का प्रोसेस होना चाहिए और किस प्रकार से अच्छी अच्छी जो मटेरियल है किस प्रकार से होना चाहिए, वो सब आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। और किस प्रकार रूल्स के साथ किस अच्छे तरीके से आप अच्छे वे में काउंसलिंग कर सकें, जिससे आप लोगों के लिए कोई भी गड़बड़ी ना हो, उस सारी के उस सब चीज़ के लिए हम एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना, ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड सर्कल में सबको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, झारखंड स्टूडेंट्स मैट्रिक्स 2019। तो 2019 के अंदर झारखंड जो स्टूडेंट्स थे उनकी 2019 के अंदर मैट्रिक्स थी, रजिस्टर्ड हुए थे 18,285 और अपीयर हुए थे 16,934। ठीक है, जिसमें से क्वालिफाइड किया था 10,297 स्टूडेंट्स ने, और क्वालिफाइंग परसेंटेज 60.81%। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, रजिस्टर्ड किया था और अपीयर इतने हुए थे, जिसमें से 10,297 अप्रॉक्स इतने बच्चों ने क्या किया था, क्वालिफाई किया था। तो ये था झारखंड स्टेट के बारे में। अब आप लोगों को बताते हैं कि टोटल 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन झारखंड। तो आप लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, आप लोगों को पता है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो गवर्नमेंट MBBS की सीट्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। इसके अंदर मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रही हूं और ना ही प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रही हूं, और इसके अंदर मैं सिर्फ गवर्नमेंट MBBS की जो सीट्स हैं उनके बारे में आप लोगों के लिए बात कर रही हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, जैसे आप सबको पता है कि टोटल 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इन झारखंड के अंदर, जिसमें से 3 कॉलेज आर एडेड इन 2019 के अंदर 3 कॉलेज एडेड गए हैं, पलामू, हजारीबाग और ठीक है, ये 3 कॉलेज हमारे इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 कॉलेज ऐड किए गए थे, इसलिए आप लोगों के लिए इसलिए बेनिफिट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अब वो एडिट कर दिए गए थे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसकी ये स्पेशल राउंड किया गया था। तो इसके अंदर इन तीन कॉलेजों के अंदर क्या किया गया था, सीटें अलॉटेड की गई थी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग के लिए। स्टार्टिंग में इनके लिए नहीं गए थे, लेकिन इनके लिए अलग से स्पेशल राउंड निकाला गया था। इनके जो झारखंड स्टेट से उन लोगों ने, तो इसके लिए अलग से इन 3 कॉलेजों के अंदर फिलिंग हुई थी। ठीक है, तो ये 3 कॉलेज हो गए, हजारीबाग, दुमका और पलामू। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, आप लोगों को पता है कि जो झारखंड स्टेट से उसके अंदर एक एम्स भी है, तो एम्स ड्यूगढ़। तो इसलिए आप लोगों की जो कट ऑफ है वो पिछले साल के कंपेयर के जैसे ही रहेगी या फिर उससे थोड़ी कम भी जा सकती है, ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ही ईजी गया है। अभी तक जितने भी नीट्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक के, तो उनमें सबसे ईजी लेवल इसका बताया गया है। और आप लोगों को पता है कि जैसे झारखंड स्टेट के अंदर एम्स है, तो जो स्टूडेंट्स, और आप लोगों को ये भी पता है कि जो इस बार एम्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो एम्स की जो फिलिंग होगी गवर्नमेंट कॉलेजों के, वो इसी के थ्रू होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे अपने स्टेट्स के अंदर, तो वो एम्स को लेंगे, फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया क्वाटे के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऊपर वाले रैंक वाले बच्चे एम्स ले लेंगे, तो उससे नीचे वाले बच्चे उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको पता है कि झारखंड में है एक एम्स, 1 एम्स इन देवघर, द ईयर ऑफ इम्पेक्टेशन ऑफ कॉलेज 2019, और इसके अंदर टोटल एनुअल सीट्स 50। अभी इसके अंदर बताती हूँ, एम्स इन देवघर, तो इसके अंदर अभी सीटें बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, ये 2019 का था, अभी इसके अंदर टोटल 100 सीटें कर दी गई। आने वाले दिनों में हम आप लोगों के लिए जो एम्स के जितने भी कॉलेज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, फ़ी स्ट्रक्चर, हॉस्टल फ़ीस, सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को आगे प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें सारे एम्स की जो रैंकिंग NIRF रैंकिंग क्या रही थी, और किस प्रकार से उनमें सीटों की सीट मैट्रिक्स थी, और किस प्रकार से इस बार, क्योंकि आप लोग पता है इस बार जो एम्स का है उसके अंदर फिलिंग नीट 2020 के थ्रू होने वाली, तो इस बार किस प्रकार से उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कितने मार्क्स तक, वो कितनी रैंक तक जा सकती है, वो सारी वीडियो की जो वीडियो है वो हम आप लोगों के लिए कुछ दिनों में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके अंदर टोटल एनुअल सीट 50 है, और आप लोगों को पता है कि 300 सीटें बढ़ी हैं सारे जो एम्स हैं उनके अंदर। तो किस प्रकार से कौन से कॉलेज के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो उसके बारे में हम सारी डिटेल्स वाली वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है,
जिसके अंदर देखिए फर्स्ट कॉलेज है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज रांची। तो इसके अंदर देखिए पहले ऑल इंडिया क्वार्टर देख लेते हैं फिर स्टेट क्वार्टर। तो ऑल इंडिया क्वार्टर के अंदर देखिए जो जनरल का स्टूडेंट्स था उसकी रैंक थी 5084 और उसके मार्क्स थे 614, ठीक है। और एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स था तो उसकी रैंक थी 58412 और उसके मार्क्स थे 485, ठीक है, उसके मार्क्स थे 485। एसटी कैटेगरी के अंदर देखिए जो रैंक थी उसकी 52892 और मार्क्स थे 478, ठीक है, ये हो गया ऑल इंडिया क्वार्टर। स्टेट क्वार्टर के अंदर देखिए जो जनरल का स्टूडेंट्स था उसकी रैंक थी 9774 और मार्क्स थे उसके 592, ठीक है। और यूआरपीएच के अंदर उसकी रैंक थी 22,43,982 और मार्क्स थे उसके 309। ओके स्टूडेंट्स, एसटी कैटेगरी के अंदर देखिए जो लास्ट ये जो मैंने आप लोगों के लिए बताई गई है पिछले साल जो लास्ट काउंसलिंग तक किस प्रकार से मोपा ग्राउंड तक बच्चों को किस रैंक पे कॉलेज मिल गया था ना उसके बारे में आप लोगों की ये डिटेल बताई गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। एसटी कैटेगरी के अंदर देखिए 1,50,424 और मार्क्स थे 380। एससी कैटेगरी के लिए देखिए 90,134 रैंक पे मार्क्स थे 442, ठीक है। ओबीसी फर्स्ट के अंदर देखिए रैंक थी बच्चे की 13,225 और मार्क्स थे 580। ओबीसी सेकंड के अंदर देखिए रैंक थी 9,578 और मार्क्स थे 593। और ईडब्ल्यूएस के अंदर रैंक थी 15,987 और मार्क्स थे 571। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। तो इसके अंदर देखिए जो ऑल इंडिया क्वार्टर के अंदर देख लेते हैं पहले, तो जनरल कैटेगरी के लिए रैंक रही थी 8,670 और उस बच्चे के मार्क्स थे 596, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए रैंक थी 59,950 और मार्क्स थे 483। एसटी कैटेगरी के अंदर रैंक थी 68,633 और मार्क्स थे 470, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं स्टेट क्वार्टर के लिए, तो स्टेट क्वार्टर के लिए जो जनरल की रैंक रही थी वो थी 13,096 और मार्क्स थे 580। यूआरपीएच के लिए रैंक थी 4,29,282 और मार्क्स थे 214। एसटी कैटेगरी के लिए 1,85,411 मार्क्स थे 350, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए देखिए स्टेट क्वार्टर के अंदर जो रैंक रही थी वो थी 1,03,019 और मार्क्स थे 427। ओबीसी फर्स्ट के लिए रैंक रही थी 15,935 और मार्क्स थे 571। ओबीसी सेकंड के लिए रैंक थी 13,101 और मार्क्स थे 580। और ईडब्ल्यूएस के लिए रैंक रही थी लास्ट कितनी रही थी 19,330 और मार्क्स थे 561। ये हो गया सेकंड कॉलेज। आज जैसा आपको पता है कि तीन कॉलेज पुराने थे तीन कॉलेज नए थे, ठीक है। तो इनमें अब थर्ड कॉलेज के बारे में बात करते हैं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, ठीक है। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर तो इसके अंदर देखिए ऑल इंडिया क्वार्टर के लिए जनरल का जो स्टूडेंट्स था तो उसकी रैंक थी 8,265 और मार्क्स थे उसके 598, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए देखिए बच्चे की जो रैंक थी वो थी 57,321 और मार्क्स थे 487। एसटी कैटेगरी के अंदर रैंक थी 65,897 और मार्क्स थे 473, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया ऑल इंडिया क्वार्टर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेट क्वार्टर के लिए, तो स्टेट क्वार्टर के लिए देखिए जनरल के लिए रैंक रही थी 12,203 मार्क्स थे 583। यूआरपीएच के लिए रैंक रही थी 3,09,366 मार्क्स थे 270। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक थी 1,67,661 और मार्क्स थे 365 फॉर एसटी कैटेगरी इन स्टेट क्वार्टर। ओके नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, देखिए लास्ट मोपा राउंड तक रही थी वो थी 98,670 और मार्क्स थे 432। ओबीसी फर्स्ट के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 14,690 और मार्क्स थे 575। ओबीसी सेकंड के लिए रैंक थी 10,149 और मार्क्स थे 590। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 16,915 और मार्क्स थे 568। ओके स्टूडेंट, ये थ्री कॉलेज हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आप लोगों के लिए जो नए कॉलेज खुले हैं, तो आप लोगों को पता है कि हजारीगढ़ मेडिकल कॉलेज, दुमका मेडिकल कॉलेज और पलामू मेडिकल कॉलेज, ये तीन न्यू कॉलेज खुले जिनके लिए एक स्पेशल राउंड बुलाया गया था लास्ट ईयर। तो उसके अंदर इनकी कॉलेजों के अंदर सीट्स फिल की गई थी और जैसे दिखा देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, जैसे इनकी कट ऑफ बहुत कम गई थी। आप मुझे जहाँ तक याद है कि जो पलामू मेडिकल कॉलेज है उसके लिए जो जनरल का जो स्टूडेंट्स है उसकी जो लास्ट तो काउंसलिंग तो उसके 535 प्लस मार्क्स पे उसको पलामू मेडिकल कॉलेज मिल गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी नए कॉलेज खुले हैं तो इस वजह से इनकी कट ऑफ थोड़ी कम थी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ नीट 2020।
ऑफ झारखंड स्टेट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नेट 22 एग्जाम ऑफ झारखंड स्टेट, तो इसके अंदर देखिए अगर आपके मार्क्स इस प्रकार से आ रहे होंगे तो ये आपके सेफ स्कोर होगा। फॉर जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके पास 580 प्लस आ रहे होंगे तो ये आपका सेफ स्कोर है। ओबीसी फर्स्ट के लिए 570 प्लस होने चाहिए, ओबीसी सेकंड के लिए 585 प्लस होने चाहिए, EWS के लिए 565 प्लस, SC के लिए 435 प्लस, ST के लिए 365 प्लस, PWD के लिए 200 प्लस। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स इतने ही आ रहे होंगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपके मार्क्स इनसे थोड़ा कम है, 5-10 नंबर कम है या फिर 5-10 नंबर ज़्यादा है, अगर आपके मार्क्स मान लीजिए इसमें जनरल के 580 आपके मार्क्स 570 है या फिर 565 है, तो आप लोगों के चांसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन मैंने जो आप लोगों को बताया है सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर एक वो होता है कि जिसके अंदर आपको गारंटीड रूप से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए उतने मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर जो सेफ स्कोर है उसके वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि इतने मार्क्स अगर आपके आएंगे तो इसके अंदर आप लोगों को झारखंड स्टेट के अंदर श्योरिटी के साथ गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएगी फॉर MBBS के लिए, ठीक है। तो अगर जिस स्टूडेंट्स के नंबर थोड़ा कम आ रहे हो तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये था स्टेट क्वार्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल इंडिया क्वार्टर के लिए। तो ऑल इंडिया क्वार्टर के लिए देखिए जनरल के लिए 600 प्लस, SC के लिए 485 प्लस, ST के लिए 472 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था झारखंड स्टेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।